तो जी नाज़रीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है वो टनल जिसका नाम है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल, और आपके आस पास कोई जिंदगी मौजूद नहीं है। आप मनो अताबाद लेक एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, इनके अलावा क्या क्या इंटरटेनमेंट की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है हुंजा से अताबाद लेक की तरफ। सीनिक जगहें दिखाऊंगा, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी रोड टनल आती है, और उसके बाद अताबाद लेक, और अताबाद लेक के साथ एक खूबसूरत बाज़ार है। पाकिस्तान की वाहद लेक है जिसके साथ एक पूरा शहर, एक पूरा बाज़ार बसता है, जहाँ से आप रोज़मर्रा की अशिया अपने घर वालों के लिए तहाइफ ले सकते हैं। तो मेरा व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सीनिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये देखें कि जो रोड है ये तकरीबन 25 किलोमीटर तक कारपेटेड है, इसलिए रोड को ज़्यादा दिखाने की बजाय मैं इस बात पर कंसंट्रेट करूँगा कि जो रोड के अतराफ़ के मनाजर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत पहाड़ियाँ मैंने यहाँ पर गलगित, हुंजा और स्कर्दू में देखा है कि यहाँ पर जो पहाड़ियों की शेप है वो इंतहाई खूबसूरत है और डिफरेंट, मैं यूनिक कह सकता हूँ। मेरे व्लॉग की जो ख़ास बात जो मैं आगे चलकर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी टनल जिसके हम बिल्कुल करीब हैं। आइए हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल जो है उसका व्यू करवाते हैं। इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है वो टनल जिसका नाम है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। मैं आपको इस टनल का अंदर से व्यू करवाना चाहता हूँ, इंतहाई खूबसूरत टनल है। चलें हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा फील होता है। ये है जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रोड टनल। मैं आपको टनल्स के मतलब बताऊँ तो इससे बड़ी लवारी टनल है, लेकिन वो रेलवे के लिए मुख्तस है, रोड टनल नहीं। लेकिन ये जो टनल है इसके पांच हिस्से हैं, और पांच हिस्सों की मजमूई लेंथ को अगर जमा किया जाए वो तकरीबन 7 किलोमीटर बनती है, इसलिए मजमूई तौर पर ये वाली टनल पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है। आप देख रहे होंगे कि इसमें से गुजरते हुए इंतहाई खौफनाक मनाजर का सामना करना पड़ता है। अगर करीब से गाड़ी गुजरे तो आपको महसूस होता है कि यहाँ पर ज़िंदगी की कोई रमक मौजूद है, लेकिन जो ही कोई गाड़ी आपके पास से नहीं गुजर ही होती उस वक्त आपको फील होता है कि आप दुनिया से कट कर रह गए हैं और आपके आस पास कोई ज़िंदगी की रमक मौजूद नहीं है। आप मनो मट्टी के नीचे हैं और अंधेरा ही अंधेरा है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मुझे एक तो ठंडक बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और दूसरे नंबर पर अंधेरा इतना ज़्यादा है कि खौफ आता है। ये देखें गाड़ी गुजरी है, हमें कुछ सजी हुई है, दिल में खुशी महसूस हुई कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई मखलूक मौजूद है, लेकिन जो भी ये गाड़ियाँ हमसे बहुत दूर हो रही हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि हम इस जहाने पानी में अकेले हैं और इस अंधेरे का मुकाबला करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कि जो भी एक टनल ख़त्म होने के करीब आती है तो चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक खुशी महसूस होती है कि हम इस ऐसी जगह से गुजर कर आए हैं जहाँ से हम बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से बाहर आ गए हैं। वो खुशी दीदनी होती है जब आप इस टनल में से गुजरेंगे तो आपको फील होगा कि ये टनल वाकई बहुत लंबी, बहुत ही ड्रामनी और बहुत ही खौफनाक है। लेकिन इस टनल के गुजरने के बाद दिल में आता है कि बहुत ही खौफनाक है अताबाद लेक का, तो मैं आपको अताबाद लेक दिखाने जा रहा हूँ। चलिए अताबाद लेक पर चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अताबाद लेक पर,
अताबाद लेक एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जो कि आपको हुंजा से खंजराव पास की तरफ जाते हुए तकरीबन हुंजा से 10-15 किलोमीटर के फासले पर मिलेगी। ये जो लेक अताबाद लेक आप देख रहे हैं, बहुत सी लेक हम पीछे देख चुके लेकिन इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये लेक कोई बहुत पुरानी नहीं, रिसेंटली ये स्लाइडिंग के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई। स्लाइडिंग के नतीजे में मार्ज़ वजूद में जब आई तो लोगों ने यहाँ पर बसेरा करना शुरू कर दिया, इसकी खूबसूरती से महजूज़ होना शुरू कर दिया। ये अताबाद लेक अताबाद टनल के करीब है। जब यहाँ पर आप लोग आए तो यहाँ पर आपके करने के जो इंजॉयमेंट के जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला और सबसे जो अहम और यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ समझी जाती है वो बोटिंग है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बोटिंग से महजूज हो रहे हैं। बोटिंग यहाँ पर आके मैंने देखा कि प्रमोट हुई है अताबाद लेक पे आके। इसके अलावा इसकी खूबसूरती की वजह यह है कि ये चट्टानों के बिल्कुल करीब वाक़ है। जैसे कि आप सैफुल मुल्क देखें तो चट्टानों से बहुत फासले पर जाके पानी इकट्ठा हुआ है, लेकिन अताबाद लेक पर अगर आप देखें तो बिल्कुल चट्टान है और चट्टान के पैंदे जो हैं वो पानी को घेरे हुए हैं। यहाँ पर बोटिंग एक आपने यहाँ पर, और दूसरा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि यहाँ ऊपर जो अताबाद लेक के पास आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, आपको इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलेंगी, गेम्स मिलेंगी, और सबसे चीज़ अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं या अपने घर वालों के लिए चीज़ें ले जाना चाहते हैं तो वो भी अताबाद लेक से आपको मिलेंगी, जो कि दूसरी लेक पर ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अताबाद लेक के साथ एडजेसेंट जो छोटा सा बाज़ार है उसकी भी सैर करवाऊँ। ये बाज़ार है अताबाद लेक से मुल्हिका। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी दुकानें हैं। अताबाद लेक पर जब आएँ तो आप यहाँ से बोटिंग के अलावा क्या क्या इंटरटेनमेंट की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी स्टॉल्स हैं, कॉफ़ी स्टॉल आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ खाना चाहें तो होटल्स भी यहीं पर बने हुए हैं। आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया आपको सैर के लिए चाहिए हों वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम बाज़ार में थोड़ा आगे आएँ तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला रास्ता है जो लेक से बाहर जाते हैं। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगी और चट्टाने मिलेंगी जो यहाँ से पहाड़ों से हमें मिली हैं, या ये जो नदी या लेक जब बनी तो वहाँ से जो कीमती पत्थर चीज़ें वो भी यहाँ दुकानों पर आपको अवेलेबल हैं, आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ तक जितना हमने देखा है यहाँ पर आपको खाने पीने की अशिया, पिज़्ज़ा, चाय, कॉफ़ी, देसी खाना, फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन अगर इससे आगे आएँ तो यहाँ पर आपको जितनी भी शॉप्स नज़र आएंगी वो सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ये शॉप देखें जी, यहाँ से आपको हाथ की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर खड़े होकर अगर चारों तरफ देखूं तो वो दुकानें हैं जहाँ से आप घर वालों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, शॉल्स हैं, इसके अलावा जो मास्टरपीस हैं, खाने पीने की अशिया में ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ़िश मिल सकती है यहाँ पर आपको। हम अताबाद लेक से ऊपर की जानब बाज़ार का आपको मुशाहदा करवा रहे हैं और मेरे बिल्कुल बैक साइड पर अताबाद लेक है, वो सामने अताबाद लेक और लेक से मुल्हका बाज़ार। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।